everyone, thank you for watching Together with Dhanu and welcome back to yet another video. Well, if you've come to this channel for the very first time, hello, my name is Dhanu and it would mean a lot if you could take a moment and subscribe to the channel. And yeah, without any further delay, let's get started with the video. सो आज की वीडियो आई स्टार्टेड ऑन अ वेरी रैंडम नोट. अब ये वाला जो वीडियो का आइडिया है, आई वॉन्टेड टू डू दिस सिंस सच अ लॉन्ग टाइम, बट आई वॉजंट श्योर कि जो मेरी ऑडियंस है वो इस आइडिया को लेके कैसे रिएक्ट करेगी. आई हैव थॉट लेट्स डू अ स्टडी चैलेंज. यू हर्ड इट राइट. एंड द स्टडी चैलेंज आई हैवंट केप्ट इट दैट डिफिकल्ट, बट इट इज़ डिफिकल्ट. आई टेल यू हाउ. सो आई एम गोना स्टडी फॉर 4 hours इन वन स्ट्रेच. नाउ आई फील दैट आई हैव नॉट डन दिस सिंस सच अ लॉन्ग टाइम. आई प्रॉब्ली रिमेंबर दैट सिटिंग एट सच अ लॉन्ग स्ट्रेच मे बी ड्यूरिंग माई बोर्ड्स का प्रिपरेशन का टाइम. एंड या मे बी आफ्टर दैट आई डिडंट डू. दो आई स्टडी ऐसा विद इंटरवल्स बट नॉट एट अ स्ट्रेच. सो इट विल बी फन डूइंग दैट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. एंड आई फील दैट आई हैव बीन अवॉइडिंग दिस, बट बिकॉज ऑफ दिस वीडियो आई विल बी एबल टू मेक इट हैपन. लेट्स सी इफ आई एम एबल टू डू दैट और नॉट. एंड या आई होप यू आर एक्साइटेड एज मच एज आई एम एक्साइटेड, बिकॉज मैं तो आज बहुत जोश में हूँ. Finally, I am so happy that finally I managed to complete this challenge. I was a bit scared ki challenge complete hoga ki nahi, but I feel ki na thanks to this challenge, thanks to this video that I was able to do this. Because of this I could study for such a long stretch after such a long time. I think itne time ke baad I had done. Also guys, if you have watched this video till here, this is your secret emoji. Comment down this emoji in the comment section along with your lovely comment. तो जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो एंड तक देखी कि नहीं. And I'm so sorry for this messed up look. I think घर पर हम सब ऐसे ही थोड़ा comfortable रहना prefer करते हैं. Apart from that, yeah, अब भूख लग रही है, lunch time हो गया, it's already 2. So yeah, let's go, let's have our lunch. A few moments later. Guess what? आज मैंने लंच में खाया राजमा चावल. Well, लंच खाए को हो गया है घंटा. अब मुझे कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही है. सो आई एम थिंकिंग दैट आई विल मेक ओरियो शेक. सो लेट्स गो एंड लेट्स मेक इट. ओके गाइस, सो मैंने अपना शेक बनाने के लिए सारा जो सामान है वो जमा कर लिया है. मिल्क, ओरियो बिस्किट एंड वनीला आइसक्रीम, ये जो मैं अभी जाके लेके आई हूँ. सो या लेट्स स्टार्ट. मैंने इसके अंदर ओरियो क्रश करके डाल दिया है पीसेस, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है दूध.
so yum. A few moments later. Hello everyone. Well, after that refreshing shake, मतलब मजा आ गया. You guys tell me, गर्मियाँ आते ये different different types of shake शुरू हो जाते हैं ना घर में बना, कभी mango, कभी banana, कभी Oreo, कभी कोल्ड कॉफ़ी के वेरिएशन, कभी कुछ कभी कुछ. आई मीन जब गर्मियाँ शुरू हुई थी ना तो मुझे शेक्स की इतनी क्रेविंग होने लग गई थी, बट अब बिकॉज इट हैज़ काइंड ऑफ बिकम फ्रीक्वेंट तो अब इतना मन नहीं करता. तो ये सिर्फ मेरे साथ होता है, आपके साथ भी होता है. ऑल्सो गाइज, आई फील कि आप सबके भी एग्जाम शुरू होने वाले होंगे. वेल, जो भी कॉलेज में है उन सबके तो आई एम श्योर सबके स्टार्ट होने वाले होंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल, एंड या ट्राई गिविंग योर बेस्ट. एंड आई नो इट्स डिफिकल्ट टाइम, बट या लेट्स गिव आर बेस्ट, लेट्स स्टडी अ लिटिल बिट जितना हो सकता है. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत पढ़ो, बट थोड़ा थोड़ा. और मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, बट या आज ऐसी वीडियो के बहाने आई गेव इट अ ट्राई एंड आई एम लाइक मुझे ना और ऐसा करना है. सो मे बी आई विल बी डूइंग दिस मोर ऑफन. इफ यू कम टू दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देना और कॉमेंट भी छोड़ कर जाना, बिकॉज दैट वुड ब्रिंग सच अ बिग स्माइल ऑन माई फेस. एंड या आई विल कैच यू इन अ नेक्स्ट वेडनेसडे रिव्यू वीडियो. याद रखना, वेडनेसडे को एक न्यू वीडियो आ रही है. तब तक के लिए स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड दैट टू टुगेदर विद धनु. अरे अरे भाई, कहाँ जा रहे हो, रुको थोड़ा सा. अच्छा, ये वाली वीडियो देखी कि नहीं? अगर नहीं देखी तो जाओ और अभी देखो.